माशाल्लाह। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हम अकीला बनी हाशिम कहकर पुकारते हैं जनाब ज़ैनब को। इल्म का आलम यह था कि इब्ने अब्बास से रिवायत है कि खुतबा फदक जनाब सैयदा का वो मुश्किल तरीन, इब्ने अब्बास कहते हैं इतना मुश्किल खुतबा बीबी का, उसकी अल्फाज उसका अंदाज जो है वो नहजुल बलागा से मिलता हुआ है, यानी ये फसाहत से ज़्यादा बलागत है बीबी के खुतबा फदक में। बड़े से बड़ा अरबी दान बीबी के खुतबे को याद नहीं कर सकता जबानी, मगर इब्ने अब्बास से रिवायत है कि ये वो खुतबा है कि जो जनाब सैयदा ज़ैनब को 7 बरस की उम्र में पूरा मुकम्मल याद था। अपनी माँ का खुतबा बीवी को जबानी याद था, 7 बरस की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज कर चुकी थी मेरी बीवी अजान मुद्दम, ये इल्म का आलम जनाब शहजाद की। और फिर जब मौला ने इतनी शहजादी बेटी अता की तो जब मौला ने रुख्सत किया, हम शहजादी ऐसे ही नहीं कहते लफाजी में, नहीं हकीकतन जिस घर में पैदा हुई जहाँ आई वहाँ भी शहजादियों की तरह रही, और जब रुख्सत किया मौला ने तो वहाँ भी शहजादी बन कर गई। जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार जो आपके शौहर थे, जब मौला अली ने अपनी शहजादी बेटी को रुख्सत किया निकाह हुआ अपने चचा भाई से, जनाब जाफर तैयार का नाम सबने सुन रखा, जिनके बाजू कलम हो गए थे और 2 कटे हुए बाजुओं के एवज परवरदिगार आलम ने उन्हें 2 पर जमरूद सब्ज के अता किए थे, फिर इनकी बदौलत वो जन्नत में परवास किया करते हैं। तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर शहजादी ज़ैनब की शौहर, जब भाई का इंतकाल हुआ तो मौला अली ने बेटों की तरह अपने भतीजे को पाला था, और फिर जब रुख्सत कर रहे थे तो इतने अमीर थे जनाब अब्दुल्ला के, बहुत बड़ी तिजारत थी अरब में, उनसे बड़ा ताजिर कोई नहीं था, उनसे ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं था, मतलब अपने घर की भी शहजादी थी, जहाँ शादी होके गई वहाँ भी मलिका बनता था, किसी गरीब घराने में शादी नहीं की थी अली ने। गई तो मौला अली ने 3 बातें गई जनाबे अब्दुल्ला से, कहा बेटा अब्दुल्ला देखो तुम्हें मैंने बाप की तरह पाला है, 3 बातें मेरी याद रखना, वक्त के इमाम की भी और अपने चचा की भी। कहा जी चचा जान। कहा बातें 3 ये हैं कि जब से ज़ैनब पैदा हुई हैं मैंने इन्हें अपने से जुदा नहीं किया, तो जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, उस वक्त मैं रुख्सत भी कर रहा हूँ, मैंने अक्त भी कर दिया है ये जा रही हैं, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरी बेटी और तुम भी मेरे साथ रहोगे। दूसरी बात जनाब मौला अली ने भी कही जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार को भी ये कहा कि ज़िंदगी में कभी हुसैन और ज़ैनब को अलग मत करना, इतनी मोहब्बत करती हैं ज़ैनब अपने भाई हुसैन से कि कभी भी इनमें दूरी ना आने पाए किसी भी वजह से। और तीसरी बात कही कि जब भी हुसैन कोई सफ़र करना चाहें और ज़ैनब तुमसे इजाज़त मांगने आए तो ज़ैनब को इजाज़त दे देना। अब सोचा आपने कि ज़ैनब शहजादी है, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी के कितने राज थे, और वो तमाम राज दुरूद भेज दिए। और अब वो तमाम राज जो जनाब फातिमा ज़हरा के पास थे, यानी कि माँ और बेटी एक दूसरे की राजदान होती है ना, बीबी का मर्तबा मकाम कोई औरत नहीं पा सकती सिवाय सैयदा ज़ैनब के, ये शहजादी हर राज में अपनी माँ की बराबर की शरीक है, यानी ये नबूवत के सारे राज जनाब सैयदा के दिल में, इमामत के सारे राज जनाब फातिमा ज़हरा के दिल में, और तो ये तमाम राज रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा मंबा है मेरी अहादीस का भी और हमारे राजों का भी। तो ये तमाम राज जो जनाब सैयदा के सीने में मौजूदन थे, छुपे हुए थे, वो तमाम राज बीबी ने अपनी बेटी को अता किए जनाब फातिमा ज़हरा, इस फजीलत में बराबर की शरीक हैं जनाब सैयदा ज़ैनब फातिमा ज़हरा के, अपनी माँ के बराबर की शरीक हैं। तो ये वो बीवी हैं जान मोहतम कि जिन्होंने
अगर शहजादी ज़ैनब ना होती तो मैं समझती हूँ कि कर्बला का वाकया दफन हो जाता। दफन हो जाता। ये बीबी थी कि जिन्होंने अपने खुतबों से बाजार और दरबार में वो खुतबे दिए और वो अंदाज से भाई की फतह का गदीर सुनाया, विलायत बताया, यजीद के दरबार में खड़े होकर। अब देखिए, एक औरत की जो जान होती है वो उसके मर्दों में होती है, उसके बेटे में, उसके शौहर में, उसके बाप में, उसके भाइयों में। अगर खुदा ना खास्ता किसी औरत के ये सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएं, शहीद कर दिए जाएं, तो वो औरत तो वैसे ही मर जाएगी, वो औरत तो वैसे ही कमज़ोर हो जाएगी ना। कैसे कैसे चांद कर्बला में छुप गए, अली अकबर जैसे शहजादे, इमाम हुसैन जैसा भाई, गाज़ी अब्बास जैसा भाई, सब। लेकिन 10 मुहर्रम के बाद अली की बेटी इस अंदाज से खड़ी हुई है शाम गरीबा के अंधेरे में कि एक मरतबा ललकार कर आवाज़ ही, ये ना समझना फौज अशकिया को बीबी ने ललकारा, ये ना समझना कि सिर्फ औरतें रह गई हैं और एक मजबूर मेरा बेटा जो सजदे में है, इमाम सैयद सज्जाद मजबूर इमाम नहीं हुआ करता मगर उस वक्त मजलूम, और उस वक्त जो शाम गरीबा में मौला ने सजदा अदा किया तो उस सजदे को फजर के सजदे से मिला दिया। सरों पे चादरें नहीं है बीबियों के, बीबी ज़ैनब उठकर खड़ी हुई, टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा उठाया और कहा, ये मत समझना कि अब्बास नहीं है तो हमारी हिफाजत कोई नहीं करेगा। अली की बन गई बेटी अली हुसैन के बाद, और ललकार कर कहा कि यहाँ कोई आ नहीं सकता। उसके बाद बीबी ने पहुंचा, खुदा रा ज़ैनब, बेशक यहाँ पे तेरा मगनू है खुदा रा ज़ैनब, बिल्कुल बिल्कुल। दरबारों में और किसी की जरूरत नहीं थी, फिर बीबी ने आंसुओं को पोंछ दिया, कहा बस अब नहीं रोऊंगी, अब तो मैं यजीद के दरबार के में जलजले बर्पा कर दूंगी, कहलके बर्पा कर दूंगी। बाजारों दरबार की मंजिलों में कहकह लग रहे थे, कुका और शाम के बाजारों में आईना बंदी की गई थी, जश्न का समा था। जब बीबी वहां पहुंची है, बीबी का काफिला, बीबी ने कहा है मेरे हुसैन, अगर इस जश्न के माहौल को मैंने मातम में ना बदल दिया तो मुझे ज़ैनब ना कहे। जश्न हो रहा था, बीबी ने फैसला किया, मेरे भाई का सर काट कर जश्न मना रहे हो, अगर मैंने इस जश्न भरे माहौल को मातम में ना बदल दिया तो मुझे अली की बेटी ना कहे। और फिर कूफे के बाजार में बीबी का खुतबा, ऐसा खुतबा कि वही बाजार वाले जो जश्न मना रहे थे, कह कहे लगा रहे थे, वही बात एक जुमला कहा था बीबी ने हमारे साथ से, कहा था हमारे साथ इन लोगों से कहो कि चुप हो जाए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत कहे, बहुत ठट्टे, ढोल ताशों की आवाज़ें ऐसी थी कान पड़े, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जब कूफे में पहुँचा ये काफिला, बीबी ने कहा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उमर साद ने हंसी माला, उन्होंने कहा ज़ैनब तुम अपनी बेबसी का तमाशा तो देख सकती हो मगर इन लोगों से तुम कुछ नहीं कह सकती, तुम्हारे सुनेंगे ही नहीं, ये तो इस वक्त मस्त है, जश्न का समा है। बीबी को जलाल आ गया। बीबी ने कहा अच्छा ये बात है, तो फिर अब देखना मेरा अंदाज क्या है। बंधे हुए हाथों से शहादत की उंगली उठाकर बीबी ने एक जुमला कहा, उसको क्या अहले कूफा, ए कूफे वालों साकित हो जाओ। पर इधर हुक्म दिया अली की बेटी ने, उधर साकित हो गए, सन्नाटा छा गया पूरे बाजार में। ऊंटों के गले में पड़ी हुई घंटियों की आवाजें खामोश, ढोल ताशों की आवाजें बंद, सिर्फ समाहतें बेदार थी, सांसें चल रही थी, और अली की बेटी का खुतबा शुरू हुआ फिर बाजार। ऐसा सुकूत था, ऐसा सुकूत कि कहते हैं कि पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे आप कहते हैं, कि कोई आवाज नहीं थी। बीबी ने हुक्म दे दिया खामोश साकित हो जाओ, ये बीबी का हुक्म था, विलायत की मंजिल पर थी अली की बेटी, कि हवा ने भी चलना छोड़ दिया, सांसें रुक गई और शुरू हुआ बीबी का। अच्छा वहां पे हमारे लिए तो हम लोग अपनी आवाजों को सोचें, आप सोचा करें, हमारी आवाजें ऐसी हैं कि अगर हमें कुछ जोर से खिताब करना है वहां तक कम है तो मुझे माइक की मोहताजी होगी ना, कि माइक होना चाहिए, माइक होगा तो मेरी आवाज दूर तक जाएगी। सोचें बाजार कूफा का कितना बड़ा मजमा था, मीलों तक
माइक वाइक कुछ नहीं था, मगर बीबी के लहजे की वो घनघराहट थी, वो आवाज थी कि जो 2 मील के फासले पर खड़ा था मजमा, वो भी बीबी का खुतबा सुन रहा था। जो 5-6 मील के फासले पर था, वो भी बीबी का खुतबा सुन रहा था। ये मौजूदा था अली की बेटी की आवाज की एक तासीर थी, ये लहजे की घनघराहट थी कि मिनटों में बीबी ने जब खुतबा दिया, वही कूफे वाले जो कहकहे लगा रहे थे, वही कूफे वाले ज़ारो कतार रो रहे थे और मातम कर रहे थे। जब बीबी का खुतबा खत्म हुआ, लम्हों में माहौल को बदल कर रख दिया अली की बेटी। यही वजह है कि शायर ने कहा था, ज़ैनब के वो खुतबात वो आयात का तूफान, अरे जज्बों का तला तुम वो तहे ताबिशे ईमान, हर हर्फ के इदराक में खुलता हुआ कुरान, हर हर्फ के इदराक में खुलता हुआ कुरान, और यक जुम्बिशे लब सूरत बरके सरे फारान, जल बुझ गया बातिल के धुआं तक नहीं मिलता, अब बैत फासिक का निशान तक नहीं मिलता। शोहर नामदार के बहुत अमीर थे, बहुत बड़े ताजिर थे। अरब में जनाबे अब्दुल्ला से बड़ा ताजिर कोई नहीं था। ये ताजिर इतने बड़े कैसे बने? किसी गरीब घराने में दुल्हन बन के नहीं गई थी, बहुत अमीर घराना अरब का, बहुत बड़ा मलिका बन कर गई थी। अमीर तरीन लोग के जो अगर चाहें तो जर्रों को आफ्ताब बना दें, वो लोग वो हाथियाँ जाने मोहताज, हाथों को धोए तो हीरे जवाहरात और लालो जवाहर में वो हाथों का पानी, वो अलग बात है कि फाके करते थे, वो उसका हुक्म था, जैसा वो चाहता था वो करते थे, मगर ऐसे भी थे कि इशारा कर दे तो जन्नत से खाने भी मंगवा लिया करते। मगर ये हस्तियाँ क्या, इनकी तो कनीज जनाब फिजा का मार्फत का वो आलम था कि वो अगर दुआ के लिए हाथ उठा दे तो जन्नत से खाने नेमत मंगवा लिया। फिजा को, जिस बीवी को मौला हुसैन, क्या पता जनाब फिजा ने कितने बच्चों को पाला है, इस खानदान का अंदाज अलग है, समझ में नहीं आता। जो इस घर में सोचे, जो इस घर में माँ बन के आई, उस बीबी ने अपने आप को सारी उम्र कनीज कहलवाया। जनाबे उम्मुल बनीन कहती थी मैं तुम्हारी कनीज हूँ, और जो कनीज बनकर आई उस बीबी को सारे बच्चों ने माँ कहते। सिर्फ मौला हसन हुसैन को नहीं पाला, जनाबे ज़ैनब कुलसूम को नहीं पाला, हजरत अब्बास को, जनाबे फिजा ने पाला, इमाम सैयद सज्जाद को और इमाम मोहम्मद वाकत को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जनाबे अली अकबर को लोरियां सुनाई, जनाबे उन्होंने मोहम्मद को आगोश में लोरियां सुनाई, जनाबे अली असगर को आगोश में पाला है। इतने इतने चार इमामों को जिस फिजा ने पाल कर जवान कर दिया हो, क्या मकाम मर्तबा है, और उनके बीच में रहना और अपने आप को माँ कहलवाना। तो अब जनाबे अब्दुल्ला के बारे में, और फिर मैं खत्म करूंगी एक दो मरकबत और आपसे इजाजत चाहूंगी कि जनाबे अब्दुल्ला इतने बड़े ताजिर कैसे बने। बहुत शौक था बचपन से तिजारत का,
तो एक दिन खिलौने सजाए हुए मट्टी के खिलौने बनाकर बर्तन सजाए हुए खेल रहे थे बाहर घर के बैठे हुए, तो जनाब सरकार रसूल खुदा वहाँ से गुजरे तो हुजूर ने कहा अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं आप? तो बचपन का आलम था, कहते हैं हुजूर मैंने दुकान लगाई हुई है, मैं तिजारत कर रहा हूँ, ये मेरी दुकान है, मैं तिजारत, बच्चे खेलते हैं ना तो खेल खेल में वो अपनी चीजें बनाते हैं, तो मैं तिजारत कर रहा हूँ, मुझे तिजारत का बड़ा शौक है, ये सारी दुकान मैंने सजाई है। उसी वक्त सरकार खत्मे मर्तबत ने हाथों को उठाकर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार अब्दुल्लाह को अरब का सबसे बड़ा ताजिर बना दे, ऐसा ताजिर बनाना कि ये मट्टी में हाथ डाले तो सोना बन जाए, इसकी तिजारत को इतना उरूज बख्शना, इतना अता करना कि अरब में इससे बड़ा कोई ताजिर ना हो, जिसे रसूल दुआ दे दे तो वो कितना बड़ा ताजिर होगा। मुझे बेचने आज की मालियत के हिसाब से लगाए तो लाखों के वो एक एक कुआं लाखों लाखों रुपयों का की मालियत बनती है। तो इतने बड़े ताजिर, मलिका थी, शहजादी थी, शहजादी बनके शहजादे के घर गई थी अली की बेटी, मलिका बनके मलिका बन कर गई थी अली की बेटी, तो ये वो बीबी है जाने मोहतम। तो अब मैं शहजादी है जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से चंद अशआर आपकी बेहतरीन समातों की नज़र करती हूँ, अगर अशआर समझ में आए तो दो चार और पढ़ूंगी, ना आए तो यही मसला। ज़ैनब बहुत मशहूर ये मनकबत है इसके अशआर, ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है, ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है, ज़ैनब इमामतों की अमानत का नाम है, ज़ैनब हुसैनियत की ज़रूरत का नाम है, ज़ैनब ज़रूरतों की, ज़ैनब इमामतों की अमानत का नाम है, ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है, और ज़ैनब हुसैनियत की ज़रूरत का नाम है। माना बहुत तवज्जो, माना वजूद शाह में पूरी है करबला, माना वजूद शाह में पूरी है करबला, ज़ैनब अगर ना हो तो अधूरी है करबला, ज़ैनब अगर ना हो तो अधूरी है करबला। और कुरान हुस्न पाया है इनके बयान से, आईन अली के घर में बड़ी आन बान से, आईन अली के घर में बड़ी आन बान से, जहरा के दबदबे से पैगंबर की शान से, जहरा के दबदबे से शेर के बाद नारा लगेगा तो लुत्फ आएगा, ताकि शेर ना टूटे ना, कंप्लीट हो तो फिर नारा इंशाल्लाह। जहरा के दबदबे से पैगंबर की शान से, और उतरी किताब हक की तरह आसमान से, उतरी किताब हक की तरह आसमान से, आई निदा के दीन की किस्मत संवर गई, और कुरान के घर में नहजे बलागा उतर गई, समर गई, कुरान के घर में नहजे बलागा उतर गई। अब बहन भाई का प्यार क्या था, ज़ैनब, अब बहन भाई का प्यार सुनिए कि बहन भाई का प्यार क्या था। शायर ने कहा ज़ैनब हुसैन के लिए उल्फत की इंतहा, ज़ैनब हुसैन के लिए उल्फत की इंतहा, एक दूसरे से रह नहीं सकते कभी जुदा, एक दूसरे से रह नहीं सकते कभी जुदा, इस राज से था खालिक अकबर खुदा शना,
उसने सदाए कुल से भी पहले ये तय किया, उसने उस रब ने सदाए कुल से भी पहले ये तय किया। क्या तय किया अल्लाह ने? अल्लाह ने तय ये किया कि नूरे नजर जहां में हो, नूरे नजर जहां हो वही नूरे ऐन हो, नूरे नजर जहां हो वही नूरे ऐन हो। ज़ैनब अगर बहन है तो भाई हो।